नमस्कार साथियों आज है 8 अगस्त और इस वीडियो में आज का मुख्य समाचार डिस्कस करेंगे यानी कि जो भी वन लेन करंट अफेयर्स हैं वो हिंदी में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है वन लेन में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले लाइक कर दीजिए और आप अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है तो सबसे पहला है इसरो ने श्रीहरिकोटा के पृथ्वी प्रशिक्षण उपग्रह और आज़ादी सेट उपग्रह को ले जाने वाला छोटा रॉकेट लॉन्च किया है यानी कि जो इसरो है इसरो का तो नाम सुना ही होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो वो श्रीहरिकोटा से पृथ्वी प्रक्षेप्शन उपग्रह और आज़ादी सेट उपग्रह को ले जाने वाला छोटा रॉकेट लॉन्च किया यानी कि हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है ठीक है एस एस एल वी क्या कौन सा लॉन्च किया है एस एस एल वी तो वो कहाँ से किया गया तो श्रीहरिकोटा से किया गया तो ये है आज का इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो कहाँ से किया गया तो श्रीहरिकोटा ठीक है श्रीहरिकोटा हरिकोटा कहाँ है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा श्री हरिकोटा कहाँ है ठीक है और किसके द्वारा यह किया गया है तो इसरो द्वारा किया गया तो यही इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट है आठवां राष्ट्रीय हथकरघा सात अगस्त को मनाया गया यानी कि कल था सात अगस्त और कल कौन सा दिवस मनाया गया तो आठवां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हथकरघा मतलब क्या होता है कि यानी कि जो हैंडलूम होता है ना हैंडलूम चीज़ें जो हाथ से बनाई गई चीजें होती है तो वो हैंडलूम उसको बोलते हैं तो वही हथकरघा दिवस मनाया गया उसको प्रमोशन करने के लिए ठीक है उसको प्रमोट करने के लिए हर साल सात अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या है कि सात अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में नीति आयोग की सातवीं शास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति भवन की जो संस्कृति केंद्र है नई दिल्ली में उसमें नीति आयोग की सातवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की यानी कि उसके किसके द्वारा वह चेयर किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वो चेयर्ड किया गया ठीक है क्या तो वो था नीति आयोग की सातवीं सीसी परिषद कौन सी चीज़ की ये थी तो नीति जो नीति आयोग है ठीक आयो है नीति आयोग की सातवीं सीसी परिषद की बैठक की गई थी उसी में नेक्स्ट है नलाथोम्बी कलाइसेल्वी सी एस आई आर यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है जो नलाथम्बी क्लाईवेंसी है वो कौन वो कौन है तो वो अभी जो पहली महिला है जो क्या बनी है सी एस आई आर की महानिदेशक बनी है ठीक है सी एस आई आर की महानिदेशक पहली महिला कौन बनी है तो नलाथम्बी क्लाई सेल्वी तो ये आप याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं और ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे अब देखते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या है तो देखिए अहमदाबाद मुंबई रूट पर अकाशा एयर की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई जो अहमदाबाद मुंबई रूट है उसमें क्या किया गया कि अकाशा एयर द्वारा पहली कमर्शियल प्लेन को शुरू किया गया ठीक है सब सबसे पहला कमर्शियल प्लेन कहाँ शुरू किया गया अकाशा एयर द्वारा तो जो अहमदाबाद मुंबई रूट है उसमें शुरू किया गया तो यहाँ से याद रखने वाली पॉइंट ये है कि सबसे पहला मतलब किस रूट से वो हुआ है तो अहमदाबाद मुंबई से किया गया और किसके द्वारा तो अकाशा एयर की के द्वारा ठीक है तो ये आर्थिक करंट अफेयर्स था अब देखते हैं खेल कूद से रिलेटेड स्पोर्ट्स से क्या रहने वाला है करेंट अफेयर्स तो सबसे पहले हम जानेंगे जो बर्मिंगहम में राष्ट्रमंडल खेल था उससे में जो भारत ने क्या क्या हासिल किया है कि वो चीज़ देखेंगे ठीक है तो भारत के अचीवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो बर्मिंघम राष्ट्र मंडल खेल, मंडल खेल में हुआ था ठीक है तो सबसे पहले देखो देखिए एथोल्स पॉल जो सत्रह दशमलव जीरो तीन मीटर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता जो एथोल्स पॉल है वो क्या किए तो पुरुषों की जो ट्रिपल जंप होता है उसमें गोल्ड मेडल जीते हैं ठीक है थीके? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे नोट जरूर कर लीजिएगा एक नोटबुक में ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट है विनेश फोगाट ने महिलाओं की तिरपन की ग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता जो विनेश फोगाट है वो कौन है महिला है ठीक है और महिला की जो कैटेगरी होती है फिफ्टी थ्री के जी उसमें फ्री स्टाइल कुश्ती में जो फ्री स्टाइल कुश्ती होता है उसमें क्या जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है तो स्वर्ण पदक अपने हासिल किया है तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है नेक्स्ट है पुरुषों की संतावन की ग्रह बॉक्सिंग में देखिए संतावन के जो कैटेगरी है तो बॉक्सिंग वाली उसमें पुरुष पुरुष कैटेगरी में पुरुष कैटेगरी में रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीता है तो रवि दहिया द्वारा पुरुष कैटेगरी के संतावन किलो वाला जो कैटेगरी होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता गया है किसके द्वारा जीता गया तो रवि रवि दहिया द्वारा तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तो है। तो ने की तरफ तो नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो अमित पंगाल ने पुरुषों की एक की ग्रह बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता तो देख रहे हैं कितने सारे सोना यानी कि सोना ही सोना पूरा सोना ही सोना भारत में इस बार आया है कॉमनवेल्थ गेम्स से तो जो अमित पंगाल है वो जो पुरुष का फिफ्टी वन के जी कैटेगरी होता है उसमें गोल्ड मेडल जीते हैं ठीक है नेक्स्ट है नीतू घंगास नीतू गंगास ने महिलाओं की अड़तालीस की ग्रह बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है तो ये सारे जो जो भी मतलब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे भारत के प्लेयर हैं ठीक है ठीके? तो इस बार भारत का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया है कॉमनवेल्थ गेम में क्योंकि प्लेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं जो ये कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था बर्मिंगम में और बहुत सारा मेडल अपने देश में लेके आए हैं ठीक है नेक्स्ट है निखत जरीन ने महिलाओं की एकाउन की ग्रह बॉक्सिंग में जीता गोल्ड मेडल जो निखत जरीन है इनका नाम तो सुना ही होगा ये काफ़ी फेमस है तो इन्होंने क्या किया है कि 50 की ग्रह बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है ये भी गोल्ड मेडल जीती है पचास के वाला कैटेगरी में नेक्स्ट है पुरुषों की चौहत्तर किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में नवीन ने जीता गोल्ड मेडल और जो नवीन जी हैं ठीक है तो इन्होंने क्या किया है तो नवीन जी भी पुरुषों की कैटेगरी में फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता तो इतने सारे सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड आए हैं भारत में तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का सेशन तो यहीं पर समाप्त हुआ थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जय हिंद